चलो आज का नया चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट जिसको सिंपली हम लोग मैग्नेटिक्स भी कहते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट यही टॉपिक चैप्टर स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट क्या कहता है जैसे सिंपली एक वायर है इसमें करेंट का फ्लो है यह से हमने रिप्रेजेंट किया और यह जो सर्कुलर लूप दिखाया है ये करंट जब फ्लो करता है किसी भी वायर में तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है वही हमने यहाँ पर एरो से रिप्रेजेंट किया है ये जो एरो बनाया है करंट के डायरेक्शन को दिखाया ये इस कंडक्टर में करंट का फ्लो है और इसके सराउंडिंग एक लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया है ये एरो बना करके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया है ठीक इस चीज को सबसे पहले ऑर्स्टेड ने डेवलप किया था ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट ही कहता था कि जब आप किसी भी वायर में करंट का फ्लो कराते हैं और उसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक निडल को रखते हैं तो निडल में डिफ्लेक्शन होता है और डिफ्लेक्शन इंडिकेट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट के लिए जो सोर्स है वो मूविंग चार्ज और करेंट है इसका मतलब कि व्हेन अ करेंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर इस चीज को ऑर्स्टेड ने डेवलप किया था ठीक है ये ऑलरेडी हम लोग क्लास टेंथ में पढ़े हैं तो कहता है इलेक्ट्रिक करेंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट इन स्पेस अराउंड द कंडक्टर कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और सिंपली मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को मेजर करने के लिए सबसे पहले कि क्या सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किया तो चार्ज स्टेशनरी था तो वो हमारा ब्रांच बन गया था लक्टो चार्ज को मोशन में लाए तो वो ब्रांच बन गया करंट इलेक्ट्रिसिटी अब जब चार्ज मोशन में हुआ तो उसका इफेक्ट क्या आया कंडक्टर के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ का इफेक्ट यही आया इसका मतलब जब भी करंट का फ्लो हो रहा है तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड है इसका प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम्पल देख सकते हो कि जैसे एक सिंपल एक टेस्टर से आप चेक करते हो कि करंट का फ्लो है कि नहीं तो टेस्टर को बार बार इंसर्ट करते हो सॉकेट के अंदर और उसमें देखते हो कि करंट है कि नहीं उस टेस्टर को आप किसी नट के पास ले जाओ तो नट को इजीली वो अट्रैक्ट कर लेता है इसका मतलब टेस्टर से जब करंट का फ्लो हो गया तो टेस्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है इट मींस सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगा मूविंग चार्ज और करंट कैरिंग कंडक्टर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या सिंपली आप मैग्नेटिक कह सकते हैं मैग्नेटिज्म के लिए तो उस कंडीशन में आप सोर्स का नाम क्या क्या लिखेंगे मूविंग चार्ज और करेंट कैरिंग कंडक्टर समझ में आ गया अब इसके डायरेक्शन को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को मेजर करने के लिए स्नो रूल बना अब स्नो रूल का मतलब क्या हो गया एस एन डब्ल्यू एस टू एन साउथ टू नॉर्थ ठीक और वेस्ट अब मान लो कि ये मैन स्विमिंग कर रहा है तो जो स्विमिंग कर रहा है इसका जो बॉडी है उस बॉडी के अलोंग करेंट का फ्लो मान लेते हैं करेंट का फ्लो मान लिया अब इसके पास हम एक मैग्नेटिक नि को रखते हैं तो जिसमें करंट का फ्लो हमने दिखाया आई और ये डायरेक्शन हम दिखा रहे ये नॉर्थ इधर साउथ नीचे ईस्ट और ऊपर की तरफ वेस्ट अब जैसे ही ये स्विमिंग कर रहा है स्ट्रोक्स लगा रहा है तो यहां निडल में देखो डिफ्लेक्शन किधर हो गया वेस्ट की तरफ हो गया समझ में आ गया इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया स्नोरू इसको एमपीएस स्विमिंग रूल भी कहते हैं वही कहता है एमपीएस स्विमिंग रूल और स्नो रूल कि इमेजिंग ए मैन स्विम्स इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ फेसिंग ए मैग्नेटिक निडल केप्ट अंडर हिम सच दैट करेंट इंटर्स द फीट एंड नॉर्थ पोल ऑफ द निडल विल डिफ्लेक्ट टू लेफ्ट हैंड मींस टुवर्ड्स In the west डायरेक्शन समझो आगे बात इसको समझना है इसको लिखने की कोई खास जरूरत नहीं तो कंक्लूजन क्या मिला पहला कंक्लूजन जो ऑर्चर्ड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि यदि करंट का फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड के सोर्सेस क्या हो गए ंग चार्ज और करेंट कैरिंग कंडक्टर समझ में आ गया तो अब हम लोग डिफाइन कर लेते हैं द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट विद इन विच इट्स इंफ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड सिंपल आप एक मैग्नेट को रख दो और इसके सराउंडिंग कहीं भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखोगे तो ये मैग्नेट इस सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर रहा है कितने स्पेस तक अट्रैक्ट करता है अपने सराउंडिंग में इस पूरे स्पेस को क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इसलिए डिफाइन कर दिया द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट विद इन विच इट्स इंफ्लुंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड और लिख दिया है कि सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ए मूविंग चार्ज एंड करेंट कैरिंग कंडक्टर आ गया समझ में ये पार्ट नोट कर लीजिए अभी पीडीएफ तो भेजा नहीं है भेज देंगे डेफिनेशन और सोर्सेस लिख लीजिए हो गया नोट कर लिया अब आ जाए राइट हैंड थम रूल और कर्ल रूल से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम लोग मेजर करेंगे ये हमारा राइट हैंड इसमें हम करेंट कैरिंग कंडक्टर को ग्रीप कर लेते हैं तो जब करंट का डायरेक्शन थम के अलोंग होगा तो जो ग्रिप ये चार फिंगर जो ग्रिप के फॉर्म में है इसी के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाए इससे हम लोग डायरेक्शन मेजर करते हैं ठीक यही कहता है कि इफ ए करेंट कैरिंग कंडक्टर इज इमेजिड टू बी हेल्ड इन द राइट हैंड सच दैट द थम डायरेक्शन ऑफ करेंट हम जो है डायरेक्शन ऑफ करेंट को रिप्रेजेंट कर रहा टिप्स ऑफ द फिंगर्स इन सर्कलिंग ऑफ मैग्नेटिक्ड लाइन और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ठीक अब इसको मेजर करने का बेस्ट तरीका जो सबसे ईजी वे है कि करेंट का डायरेक्शन होगा जो भी और उसके करंट के राइट किसी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो करंट का डायरेक्शन ये है जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां पे ये चारों फिंगर कर्ल हो जाए मुड़ जाए इनवर्ड इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे और यहां जब हम देखते हैं तो फिंगर खुल रहा है चारों इसलिए इसको हम आउटवर्ड कहेंगे इसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे समझ में आया या नहीं आया चलो एक और तरीका बताते हैं करिन का डायरेक्शन ऐसे और हमेशा ये पाम ऐसे रहेगा अपने मर्जी से नहीं इस पोजिशन पे रहेगा और जहां फिंगर मुड़ जाए इनवर्ड तो नीचे जदि हम फील्ड निकाल रहे हैं तो नीचे क्या हो रहा है देखो फिंगर चारों मुड़ रहे हैं। तो इनवर्ड क्रॉस लगा देंगे और जब हम ऊपर की बात करते किसी पॉइंट पर तो आउटवर्ड डॉट लगा देंगे इनवर्ड को क्रॉस से आउटवर्ड को डॉट से मान लो ये अभी भी समझ में नहीं आया तो आप ऐसे समझ लो कि करंट के, के डायरेक्शन में अंशु सोया हुआ है लेटा हुआ है पेट के बल पीठ के बल नहीं पेट के बल तो इसका हेड इधर है इसका जो राइट हैंड पड़ेगा वो इनवर्ड को रिप्रेजेंट करेगा और जो लेफ्ट हैंड पड़ेगा वो आउटवर्ड को रिप्रेजेंट सिंपल अब इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता अब इनवर्ड और आउटवर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इनवर्ड को कहते हम लोग परपेंडिकुलर इनवर्ड को इनटू द पेस भी कहते ठीक और हम जब डायरेक्शन की बात करें तो इनवर्ड जैसे पेन है इनवर्ड है तो इनवर्ड जाओगे तो पेन से लिखोगे तो वो ऑब्जर्वर के अवे है इसलिए वो डायरेक्शन जेड एक्सिस और जेड क्या हो गया अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर तो माइनस के क्या आउटवर्ड पेन का पोजीशन के पॉजिटिव जेड को रिप्रेजेंट करा चूंकि किसके टूवर्ड्स है ऑब्जर्वर के टूवर्ड्स इसको लिखते हैं आउट ऑफ द पेज और इसको हम लोग लिख देंगे के कैप। इसको नोट कर लीजिए जो इनवर्ड है वो इन टू द पेज क्रॉस से रिप्रेजेंट होगा जो आउटवर्ड है आउट ऑफ द पेज वो के कैप से रिप्रेजेंट होगा हो गया नोट कर लिया डायरेक्शन में किसी को कोई दिक्कत इरेस करें अब आ जाए बायोडसेवेट्स लॉ तो बायोट सेवेट का कहना है कि कंडक्टर है इस कंडक्टर में करंट का फ्लो हो रहा है ठीक कंडक्टर में करंट का फ्लो हो रहा आई अब इसके कारण से किसी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना या तो पी राइट ले ले या लेफ्ट ले तो सबसे पहले जो करंट फ्लो करेगा उस कंडक्टर में उसका एलिमेंट्री लेंथ उसने कंसिडर एलिमेंट्री लेंथ को हमने डीएल से रिप्रेजेंट किया करंट पासिंग थ्रू दैट एलिमेंट और उसका नाम है करंट एलिमेंट और करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी होगा तो डीएल वैक्टर करंट स्केलर है लेकिन करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर क्वांटिटी अब इस करंट एलिमेंट और पी को ज्वाइन करेंगे करंट एलिमेंट और पी को ज्वाइन करेंगे ज्वाइन कर दिया उसका पोजीशन वेक्टर क्या ले लेंगे आर अब यहां पर इस करंट एलिमेंट के साथ आर एंगल थीटा फॉर्म करेगा तो P पॉइंट उसके राइट है तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इनवर्ड ठीक और P डैश आउटवर्ड है तो यहां पर ये P आउटवर्ड होगा और P इनवर्ड यहां आउटवर्ड P पर इनवर्ड और P डैश पर आउटवर्ड अब बायोट साहब का बायोट सेवेट का कहना था कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे बी सिंबल से और करंट एलिमेंट चूंकि डीएल है इसलिए छोटा मैग्नेटिक फील्ड को डीबी से रिप्रेजेंट करेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीबी ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल कैरिंग अ करंट आई एट पॉइंट पी डिस्टेंट डिस्टेंस होगा डिस्टेंट नहीं वो थोड़ा कभी कभी यहां पर नींद की वजह से

एन इनवर्सली प्रोपोर्सनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इन सबको मिलाया तो हमको रिजल्ट आ गया डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्स टू आई डी एल साइंथीटा बाई आर स्क्वायर और यहां पर एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्स यूज होगा और उसको हम लोग लिखते हैं म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर ये म्यू नॉट को हम लोग कहते हैं परमिएबिलिटी वहां क्या था कांस्टेंट परमिटिविटी यहां पर परमिएबिलिटी अब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम इसका वैल्यू होता 4 फोर पाई इन टू टेन टू पावर माइनस सेवन अब यहां पर डीबी हो गया मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला तो टेस्ला और ये मीटर स्क्वायर हो गया डिवीजन में करंट एम्पियर और ये डीएल एम एक एम कट जाएगा तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर हो गया जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो म्यू नॉट बाई फोर पाई का वैल्यू मीनोट का वैल्यू फोर पाई 10 टेन टू दावर माइनस सेवन डिवाइड बाई फोर पाई ये कैंसिल हो जाएगा तो जब भी हम कांस्टेंट यूज करेंगे तो क्या आएगा टेन टू दावर माइनस सेवन याद रख लेना वहां क्या था वन बाई फोर पाइप नॉट का वैल्यू नाइन इंटू टेन पावर नाइन यहां म्यू नॉट बाई फोर पाई का वैल्यू याद रख लेना है टेन टू दावर माइनस सेवन मैग्नेटिक फील्ड हमेशा टेस्ला में लिखेंगे टेस्ला इसका एमकेस यूनिट होता है और गॉस सीजीएस यूनिट होता है ठीक टेस्ला और गॉस में रिलेशन आता है, यह सब हमने लिख रखा है टेन टू फोर गॉस टेस्ला गॉस सीजीएस मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हम लोग टेस्ला के फॉर्मेट में आ गया समझ में तो नोट कर लीजिए स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जानना है। हो गया नोट कर लिया इरेस करें तो देखो ये एक्सप्रेशन है डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस तो फाइनली डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा नॉट बाई फोर पाई आ गया कांस्टेंट ये एक्सप्रेशन आ गया ठीक है चलिए कंटिन्यू कर रहे हैं अब बायोट सेविट लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एक्सप्रेशन हमारा क्या आया पहले वही था करेंट कैरिंग कंडक्टर आई क्या लिखा डीएल करेंट एलिमेंट जहां फील्ड निकालना पी पॉइंट पोजिशन वैक्टर आर लिखा एंगल डीएल और थीटा के बीच डीएल और आर के बीच थीटा ये एक्सप्रेशन डी का वैल्यू हम लोगों को जो आया वो आ गया म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर यहां तक ठीक है यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं अभी तक अब इसको हमको वैक्टर फॉर्म में लिखना है कल ये डिसाइड करो वैक्टर फॉर्म में लिखते कैसे तो दो वैक्टर क्वांटिटी के बीच एंगल हम देखते हैं तो एंगल किसके किसके बीच है डीएल और आर के बीच अब साइन या कॉस आएगा ये भी तो बड़ा फैक्टर है जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो साइन या कॉस तो क्या हम डी एल के कंपोनेंट को जिसके बीच एंगल है इसी के बीच साइन और कॉस लिखना है तो अब आप गौर करो कि आर क्या है डीएल क्या है तो सिंपल हम यदि क्लासरूम में हैं तो हमारा या एक पेन या सिंपली हम एक प्लेन पेपर की बात कर लेल लाइन में करेंट का फ्लो डीएल वाई डायरेक्शन में क्या आ रहा है आर और किस उस दोनों के बीच में पी कहीं पॉइंट है इसका मतलब आर और डीएल के बीच का एंगल कितना आ रहा है एक प्लेन बना रहा है तो जब भी दो वेक्टर मिलके एक प्लेन का फॉर्मेशन कर दे तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं इसको दिमाग में बिठा लो जब एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे के अलॉन्ग निकालते हैं तो कॉस लेते हैं जब प्लेन का फॉर्मेशन हो तो क्रॉस प्रोडक्ट मतलब साइन लेंगे तो डीएल और आर के बीच क्या बन रहा है प्लेन बन रहा है और मैग्नेटिक फील्ड डी बी क्या है परपेंडिकुलर मतलब हमारे कॉपी का हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बन रहा है सपोज डीएल मार्जिन आर बन रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बन रहा है पेन बन रहा है पेन से लिखा हुआ एक एक लेटर समझ में आ गया क्लासरूम में हम बैठे हैं इस क्लासरूम का जो डायमेंशन है ये हमारा सपोज डीएल है और ये आर है तो हम लोग सारे क्या है मैग्नेटिक फील्ड है तो डीएल और आर मिलके प्लेन बनाया इसलिए उन दोनों के बीच एंगल क्या होगा साइन पहला तो ये क्लियर हो गया कि अब क्या आएगा साइन आएगा लिखा भी है इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट आएगा अब क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिख लेते भाई ए क्रॉस बी क्या कहता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा यही कहता है ना चलो अब हम ए को ले ले डीएल अब बी यहां आर नहीं है तो हम यूनिट वेक्टर तो ले सकते आर के लो चलो यूनिट वेक्टर ले लिया तो डीएल आर यूनिट वेक्टर साइन थीटा डीएल का मैग्नीट्यूड डीएल आर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन क्या बन गया साइन थीटा डीएल थीटा को किससे रिप्लेस करोगे डीएल क्रॉस आर कैप, डीएल थीटा को रिप्लेस करना करंट से तो कोई मतलब नहीं करंट तो स्केलर क्वांटिटी है अब आ जाओ यहां लिख दिया म्यू नॉट बाई फोर पाई आई को बाहर कर दिया क्या बच गया डीएल क्रॉस आर कैप अब आ गया समझ में तो लेफ्ट साइड में क्या आ गया वेक्टर डीबी अब डीबी वेक्टर बन गया राइट साइड में आ जाओ एक और स्टेप आई डीएल क्रॉस इसको आर बना दे तो नीचे आर क्यूब होगा क्यों आर यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आया समझ में एकदम एक एक चीज को ब्रेक करके पढ़ा रहे हैं कहीं हम जंप भी नहीं कर रहे हैं आगे यहां तक हंड्रेड परसेंट इसलिए हम लोग क्या लिख दिए आर के को क्या लिख दिए आर बाई आर और यहां आर स्क्वायर था तो क्या बन गया आर क्यूब तो बायोट सेवेट लॉ वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही लिखा जाएगा उसको नोट कर लीजिए जितना रफ वर्क है हो गया नोट कर लिया नो, करो करो हो गया देख वेक्टर फॉर्म में यही है डीएल और आर के बीच एंगल थीटा ठीक और डीबी यही फॉर्म आ गया चलो इसके बाद थोड़ा यूनिट इसको क्यूब के फॉर्म में लिख दिया कोई रिपीट हो गया कोई बात नहीं अब म्यू नॉट का वैल्यू बता दिया आपको दूसरा एक और भी यूनिट होता है टेस्ला के जगह पर वेवर भी यूज करते हैं ठीक टेस्ला की जगह पर वेवर भी यूज कर लेते हैं ये ऐसे जानना चाहते हैं तो आप सिंपली एक आ, तरीके से आप टेस्ला कह दो या वेवर एक ही बात है चलो का वैल्यू म्यू नॉट फोर पा इंटू टेन पावर माइनस सेवन ठीक अब डायरेक्शन हमने अभी बता दिया डीबी का कैसे निकालते हैं बोलो कैसे निकालते हैं डायरेक्शन बताया ना राइट हैंड थंब रूल तो वो राइट हैंड थंब रूल क्या था कि करंट के डायरेक्शन में आप एक्सटेंडेड थंब को रखते हो द फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है इसका मतलब डी एल क्रॉस आर का जो रिजल्ट होता है वही डी बी के डायरेक्शन में होता है ठीक ये लैंग्वेज कह रहा है इसका मीनिंग क्या है इसको समझो हमने अभी जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दिया एक करेंट कैरिंग कंडक्टर करेंट का फ्लो मान लो आप वाई डायरेक्शन मान लो डीएल तो करंट इसी डायरेक्शन में हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन को ऐसे ले ले तो हमने जो रूल बताया अभियंशु वाला कहानी तो यहां पर पी पर क्या हो रहा है इनवर्ड इनवर्ड क्या आ रहा है मानस के क्या रीजन तो होना चाहिए क्यों आ रहा हमारा वेक्टर फॉर्म क्या कहता है डीएल क्रॉस आर और यह चीज दिमाग में रखना है ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है मतलब इसको आर क्रॉस डीएल नहीं लिख सकते लिखेंगे तो मानस साइन लगाएंगे चेंज नहीं करेंगे डीएल क्रॉस आर डीएल का डायरेक्शन क्या है किस एक्सिस के लाम वाई लिख दो आर का डायरेक्शन क्या एक्स आई अब हम लोग जो डायरेक्शन लेते हैं आई छे के देते हैं। आई जे के जे क्रॉस आई क्या कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज में जे क्रॉस आई नहीं हो रहा क्लॉकवाइज में जे क्रॉस आई हो रहा है अरे जे क्रॉस आई ऐसे जाना पड़ता है तो क्लॉकवाइज तो हो गया तो क्लॉकवाइज में साइन क्या आएगा माइनस तो जे क्रॉस आई का रिजल्ट क्या आएगा माइनस के क्या इसलिए इसका डायरेक्शन क्या आ रहा है माइनस के कैप रीजनिंग समझ में आया या नहीं आया चलो एक और एग्जांपल यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा निकालते हैं डॉट आउटवर्ड क्या लिखते हो के चलो इसका मतलब आर इधर आ गया डीएल क्रॉस आर लिखो डीएल किधर है वाई तो जे कैप आर किधर है मानसाई आई।, आई क्या देता है मानस के और मानस है तो क्या गया प्लस के क्या आया समझ में हंड्रेड परसेंट डायरेक्शन समझ में आ गया क्या रीजनिंग है यह भी नोट कर लीजिए चलिए नोट कीजिए पहले हो गया नोट कर लिया डायरेक्शन आ गया समझ में सबको हंड्रेड परसेंट कहीं कोई डाउट तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का वही हुआ अब यहां पर हमने आपको लिख भी दिया है और कहा भी था कि करंट एलिमेंट क्या वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड लेंथ ठीक तो यहां तक समझ में आ गया बायोट से और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो कल के क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे प्लस एक पार्ट और भी यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अभी जैसा आपको बताया था कि एम के एस और एस में टेस्ला लिखते हैं सीजीएस में गॉस और लिख दिया था वन टेस्ला टेन टू दार फोर गॉस और यहां पे हम टेस्ला को हमने कहा वेवर में लिखते हैं लिखने का रीजन क्या है वो बताते हैं आप यहां भी देखो वेवर को लिखला टेस्ला मीटर स्क्वायर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फ्लस एक क्वांटिटी होता है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया लिखते हैं तो फ्लस का यूनिट हम लोग लिखते हैं वेवर और मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला लिखते हैं तो टेस्ला मीटर स्क्वायर तो यहाँ पर टेस्ला की जगह पर हम लोग वेवर पर मीटर स्क्वायर यूज कर लेंगे तो जैसे ये क्वांटिटी हम लोगों ने लिखा है यहां यूनिट क्या टेस्ला मीटर पर एम्पियर तो टेस्ला को वेवर बाय मीटर स्क्वायर लिखा मीटर इनटू एम्पियर एक मीटर कट गया इसलिए वेवर पर मीटर पर एम्पियर आ गया आई बात समझ में यस नो तो यूनिट भी कंप्लीट हो गया तो यहाँ तक आप लोग कर लेंगे और कल के क्लास में आज हम पीडीएफ आपको भेज देते हैं आज शाम तक में भेज देंगे यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे सब लोग फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में